इज द लॉर्ड एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, फल आपके जीवन में होना चाहिए। जिस तरह मत्ती की पुस्तक अध्याय 21 की 18 आयत में लिखा है, सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है कि आप फल लेकर आ सको और आपका फल बना रहे। पर जब एक व्यक्ति परमेश्वर को धोखा देता है और ऊपर से वह धर्मी बनता है, हालेलुया बोलता है, लेकिन उसके जीवन में कोई फल नहीं होता, तो फिर परमेश्वर उसको जड़ से सुखा देता है। जब आपके जीवन में फल होता है तो परमेश्वर आपसे खुश होता है और वह आपको और भी अनुग्रह देता है कि आप और भी फल लेकर आ सके। बाइबल में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह रास्ते में जा रहे थे और उन्हें भूख लगी थी, तो उन्होंने एक अंजीर के वृक्ष को देखा जिसमें सिर्फ पत्ते ही पत्ते थे। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ पर फल ढूंढा तो उनको उस पेड़ पर कोई फल नहीं मिला, और तब उन्होंने उस वृक्ष को श्राप दिया और वह उसी समय सूख गया। मेरे प्रियो, अंजीर का पेड़ एक ऐसा पेड़ है कि उसके पत्ते तब निकलते हैं जब उसने फल देना हो, और जब प्रभु यीशु मसीह उसके नज़दीक गए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस वृक्ष ने धोखा दिया है, यह फल नहीं लेकर आया, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको श्रापित किया। इसी तरह कुछ विश्वासी सिर्फ नाम का हालेलुया हालेलुया बोलते हैं और सिर्फ पत्ते दिखाते हैं, पर उनके पास कोई फल नहीं होता। यह वचन के अनुसार नहीं चलते, पवित्रता में भी नहीं रहते, परमेश्वर का चरित्र उनके अंदर नहीं होता, फिर वे अपने जीवन में निराश होते हैं। बाइबल में लिखा है कि हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। कांटे वाले पेड़ से कोई अंजीर नहीं तोड़ता, और हर एक व्यक्ति अपने कामों से फलों से जाना जाता है। परमेश्वर ने आपको चुना और ठहराया ताकि आप फल लेकर आ सको और आपका फल बना रहे, और आपका फल देखकर दूसरे लोग भी परमेश्वर में आए। पर अगर आपके जीवन में फल नहीं होगा तो आपको देखकर कैसे लोग बदलेंगे, कैसे लोग परमेश्वर पर विश्वास करेंगे कि वह जीवित परमेश्वर है। एक बात हमेशा याद रखें कि परमेश्वर ने आपको फल लेकर आने के लिए चुना हुआ है, और आप फल तभी लेकर आ सकते हैं जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्रता में चलते जाएं, जब आप अपने हर हालात में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो परमेश्वर आपको और भी ज़्यादा आशीषित करता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। आपके अंदर परमेश्वर के जैसा स्वभाव होना चाहिए ताकि आप फल लेकर आएं और आपका फल बना रहे, और आपके फलों को देखकर परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। यह घोषणा प्रेरित जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं घोषणा करता हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़ या सुन रहे हैं, इनके अंदर आपका स्वभाव आए और यह आपके वचन पर चलकर फल लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।